गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस नोट सी ई टू लाइट 5G की चार्जिंग के बारे में। यहाँ पे दोस्तों इस वाले फ़ोन में मिल जाती है हमें 5000 mAh की बैटरी, साथ में मिल जाता है हमें 33 वॉट का इनका सुपर वोक चार्जर जो कि ओप्पो से इन्होंने इनहेरिट कर लिया है। तो ये वाला हम चार्जर इसमें लगा के देखेंगे कि कितनी देर में फास्ट चार्जिंग कर देता है। 33 वॉट से 5000 mAh की बैटरी है, वन प्लस का फ़ोन है, ओप्पो का चार्जर है, तो सब कुछ मिक्स हो रहा है। लेकिन स्पीड देखनी है अभी कि टाइम कितना ले लेता है ये चार्ज होने में। फुल 0 to 100% फ़ोन को एकदम डेड कर दिया मैंने, तो इसकी एक बार चार्जिंग में देख लेते हैं। और उससे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, ये फ़ोन मैं सेल करने वाला हूँ 6+128GB वाला वेरियंट है, ब्लैक कलर, 17,000 रुपये का। अगर आपको इंटरेस्ट है बाय करने में तो ये मेरे हैंडल्स है इंस्टाग्राम और ट्विटर, आप वहाँ पर जाकर DM कर सकते हैं मुझे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो शुरू कर देते हैं। सो गाइस ये है हमारा वन प्लस नोट सी टू लाइट 5G और इसको मैंने बिल्कुल ही डेड कर दिया है, तो आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके भी। फिलहाल यहाँ पे इसका जो चार्जर हमें मिल जाता है इसके साथ में 33 वॉट का सुपर वूक चार्जर जो कि ओप्पो से इन्होंने ले लिया, तो उसका मतलब वही वाला चार्जर आपको मिलता है रेड केबल के साथ में। तो इसी चार्जर से हम चार्ज करेंगे। फिलहाल इसको मैं प्लग कर लेता हूँ सॉकेट में एंड फ़ोन में भी अटैच कर देते हैं केबल को। तो जब तक आप देख रहे हैं फ़ोन की स्क्रीन एक बार ऑन हुई है थोड़ी सी, बट वो ऑन नहीं होगी क्योंकि वो 0% बैटरी पे है। और यहाँ पे मैंने टाइमर के लिए स्टॉप वॉच वहाँ पे सामने लगा दी है, तो सब कुछ देखेंगे यहाँ पे, हीटिंग कितनी होती है इसमें, चार्जिंग टाइम कितना ले लेता है ये फ़ोन, और बाकी सब देखने वाले हैं। और जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फ़ोन जो है दोबारा ऑफ़ हो गया है। तो ऑफ़ होने के बाद अब इसको फटाफट से केबल लगा लेते हैं। केबल लगाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके चार्जिंग टेस्ट को और देखेंगे कितना टाइम ले लेता है ये 0 to 100% करने में। एंड यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हम फटाफट से अपने टेस्ट को। तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, चार्जर भी स्टार्ट हो चुका है और फ़ोन में जो है लाइट भी आ चुकी है चार्जिंग की। तो इसको फिलहाल हम एक बार चार्ज करेंगे, शुरू की 10 मिनट तक एक बार इसको चार्ज करेंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कितनी परसेंट बैटरी इसमें हो जाएगी, तो वो सब चीज़ें देख लेंगे। और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों अगर आप पसंद आए तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे फ़ोन की जो है बूट स्क्रीन आ चुकी है, तो फ़ोन को हम एक बार स्टार्ट वगैरह भी कर लेंगे एंड देख लेंगे बाकी सब चीज़ें कैसी हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप बताइए आपको कितना टाइम लगता है, कमेंट करके बताना कि कितना टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चार्ज हो जाएगा। 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट का चार्जर है, तो कितने टाइम में आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ोन चार्ज हो जाएगा, वो कमेंट कर दीजिए अभी के अभी। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों 1 मिनट हो गई है और यहाँ पे मैंने सब कुछ डेटा वगैरह ऑफ कर रखा है, फ़ोन में कोई बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा है। अब 10 मिनट के बाद देख लेते क्या होता है। सो गाइज यहाँ पे जो है हमारी फाइनली 10 मिनट पूरी हो चुकी है फ़ोन को चार्ज करते हुए, एंड 10 मिनट के बाद जो चार्जिंग है हमारी वो है यहाँ पे 14%। तो 14% चार्जिंग हुई है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो थोड़ी स्लो स्पीड है ये, 33 वॉट के हिसाब से काफ़ी स्लो लग रही है क्योंकि मैंने पहले ही ऑलरेडी टेस्ट किए हुए हैं 5000 mAh की बैटरी के साथ में फ़ोन्स को, तो वहाँ पे जो है मुझे जो मिला था चार्जिंग का टाइम वो अराउंड काफ़ी डबल परसेंटेज वाला चल रहा था। उसमें सीन 10 मिनट में 20% हो गई थी उनमें, बट हीटिंग वगैरह इसमें होनी स्टार्ट हो गई है, वार्मनेस पीछे की साइड। एंड वहीं पर चार्जर की बात करें तो चार्जर में भी पीछे की साइड वार्मनेस हो चुकी है थोड़ी सी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी हम एक बार इसको और चार्ज कर लेते हैं, एक बार 30 मिनट्स तक चार्ज करते हैं, 30 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे ये सब चीज़ें कितनी चार्जिंग होती है। सो यहाँ पे दोस्तों हमारी जो है फाइनली 30 मिनट्स भी पूरी हो चुकी है, तो 30 मिनट्स के बाद इसकी जो चार्जिंग है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 42% चार्जिंग हुई है, थोड़ा सा पिकअप इसने लिया है 10 मिनट के मुकाबले में, बट यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी मॉडरेट चार्जिंग है, ज़्यादा फास्ट नहीं है। और इस एरिया में काफ़ी हीटिंग सी हो गई है दोस्तों, और बैक साइड भी वार्म है, स्क्रीन की साइड भी वार्म हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो अब गर्मी का मौसम भी है शायद, उस वजह से भी हो रही है, बट हाँ चार्जर भी काफ़ी अच्छा खासा वार्म हो चुका है। सो हीटिंग के मामले में अभी थोड़ी सी बढ़ रही है, बट चेक करेंगे एक बार इसको और चार्ज कर लेते हैं, 1 घंटे तक चार्ज कर लेते हैं, फिर चेक कर देते हैं कितनी चार्जिंग होती है इसमें 1 घंटे के बाद एंड क्या हीटिंग वगैरह रहती है इस फ़ोन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए दोस्तों इस वीडियो एंड लाइक कर देना अगर आपको अभी तक इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो। तो सो गाइस यहाँ पे जो है हमारी चार्जिंग करते हुए 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। 1 आवर के बाद यहाँ पे हमारी जो चार्जिंग है वो है यहाँ पे 81%। सो यहाँ पे अब इसने थोड़ा सा काफ़ी सही पिकअप ले लिया है, 81% पे आ चुकी है चार्जिंग।
तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड यहाँ पे हीटिंग की बात करूँ तो अभी वही चल रही है, काफ़ी ठीक ठाक हीटिंग है पीछे की साइड भी और फ्रंट स्क्रीन की साइड में भी, तो हीटिंग तो है और चार्जर में भी वार्मनेस वही बनी हुई है, अभी कम तो नहीं हुई है। खैर तो बाकी हम देखने वाले हैं, अभी थोड़ी सी और चार्जिंग करते हैं इसमें 10-15 मिनट, देन देखते हैं कि कितनी और बढ़ती है हमारी चार्जिंग इसमें। सो गाइज यहाँ पे हमारी 1 आवर 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुकी है चार्जिंग करते हुए, एंड यहाँ पे 94% चार्जिंग हुई है अभी। तो 94% चार्जिंग अभी भी काफ़ी स्लो चल रहा है यार ये, मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा है ये जितने मेरे फ़ोन्स दूसरे यूज़ किए हैं चार्जिंग की है उनके मुकाबले में। वार्मनेस की बात करूँ तो हीटिंग थोड़ी कम हो रही है धीरे धीरे फ़ोन में भी और चार्जर में भी, बट हाँ आप चार्जिंग का टाइम देख लेते कि और कितना टाइम ले लेता है ये फुल चार्ज होने में इस फ़ोन को। यहाँ पे दोस्तों 10 मिनट हो गई, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे हमारा हो चुका है पूरा कंप्लीट इसको चार्जिंग करते हुए, और यहाँ पे 98% चार्जिंग हुई है अभी भी। अभी भी 2% चार्जिंग लेफ्ट है दोस्तों, अब देख लो बहुत काफ़ी स्लो चल रहा है ये, 33 वोल्ट के चार्जर के हिसाब से स्लो है यार काफ़ी। वार्मनेस की बात करूँ नीचे आ चुकी है काफ़ी, डाउन जा रही है धीरे धीरे, और चार्जर की भी बात करूँ तो उसकी भी वार्मनेस नीचे जा रही है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो प्रॉब्लम है वही है चार्जिंग स्पीड काफ़ी स्लो सी लग रही है। बाकी अब लास्ट की 2% चार्जिंग है वो देखते हैं कि कितनी देर और लेती है, कितना टाइम लगेगा उसको फुल चार्ज होने में, सो वो सब चीज़ें हमें देखनी है अभी एक बार। यहाँ पे दोस्तों हमारी 1 घंटा 34 मिनट 34 मिनट्स हो चुकी है, और यहाँ पे 99% बैटरी हमारे फ़ोन में, लास्ट की 1% बची है वो वाली भी देखने वाली बात है कि वो कितना टाइम ले लेगी हमारे, क्योंकि लास्ट की 1% भी काफ़ी टाइम ले लेती है कई फ़ोन्स में। यहाँ पे इसने ऑलरेडी काफ़ी टाइम ले चुका है ये फ़ोन चार्ज होने में, बट अभी देख लेते हैं और कितना टाइम लेता है ये लास्ट की 1% चार्जिंग करने में। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो है 100% कंप्लीट हो चुके चार्जिंग, एंड फाइनली इसने कर दी है फुल चार्जिंग, और यहाँ पे देख सकते हैं 100% फुल हो चुकी है। चार्जर को क्लोज़ करते हैं, एंड यहाँ पे दोस्तों 1 घंटा 36 मिनट इसने लिए हैं, 34 सेकंड भी ऊपर, बाकी उसको छोड़ते हैं। 1 आवर 36 मिनट्स हमारे चार्जिंग टेस्ट में इस फ़ोन ने लिए हैं 0 to 100% चार्ज होने में, जिसमें हीटिंग भी काफ़ी सही रही फुल टेस्ट के दौरान। एंड यहाँ पे चार्जिंग स्पीड जो है वो तो आपके सामने ही है जिस तरीके से इसने किया है रिएक्ट, तो स्लो लगी मुझे, डेफिनेटली स्लो लगी, क्योंकि मैंने पहले भी सेम कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ोन्स को यूज़ किया है रियलमी की तरफ से भी, तो वहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट या 15 मिनट के अराउंड चार्ज हो जाता है फ़ोन फुल 5000 mAh की बैटरी के साथ, 33 वोल्ट का चार्जर है वहाँ पे भी, बट इसने देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है चार्ज होने में। तो आप बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा ये फोन, चार्जिंग वगैरह कैसा लगा, लाइक कर देना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में।